अक्टूबर 2022 के पहले तक ये इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन अब प्रशासन और पुलिस के कब्जे में है। ये जो लोग आप देख रहे हैं इस तरह के, इनके सामने पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लोगों से बात करते हैं कि लोगों को क्या कुछ सुनने का इंतजार है और ये कितना सफ़र तय करके पहली बार इस जगह पे पहुंचे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सनबरसा से। कितना देर लगा है आने में? 3 घंटा। पहले आए थे कभी? नहीं नहीं। क्या अभी हम लोग का आने में 3 घंटा लग गया है? 3 घंटा लग गया। आए हैं सनबरसा से। हाँ। हम यहाँ कभी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे? बढ़िया है जी सर। तो क्या पहले डर वर लगता था यहाँ पे? सर पहले तो डर लग ही रहा था। हाँ। यहाँ आने में। हाँ। लेकिन अभी कोई डर नहीं है यहाँ आने में। हाँ। अच्छी तरह से आ गए। तो देखिए, प्रशासन और पुलिस जब किसी इलाके में पहुंचती है तो विकास की किरण तो बहती ही है, साथ ही साथ एक उम्मीद भी, और जो एक डर का माहौल होता है वो माहौल भी खत्म होता है। अब कोई डर है यहाँ पे? जी सर नहीं डर अब। हाँ। अब कुछ डर नहीं है। हाँ। तो अब सुविधा लगता है कि सरकार की सुविधा मिलेगी आप लोग को? अब तो मिलेगी सर। हाँ। पूरा मिलेगी। CRPF कैंप लगने से हम लोग को सारा सुविधा जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है, और जितने डर भय था वो सब मुक्त हो गया। तो देखिए, डर भय से लोग मुक्त हो गए हैं, और देखिए कॉन्फिडेंस भी चेहरे में होता है, वो दिखता है जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचती है। तो अब लगता है कि यहाँ पे विकास इस इलाके में हो पाएगा, इतना खूबसूरत इलाका है। जी जी, हो पाएगा सर, विकास होगा यहाँ। पहले के जगह से अब बहुत अच्छा बन गया, ये बहुत अच्छा बन गया। तो देखिए, CRPF और झारखंड पुलिस जब यहाँ पहुँची है तो लोगों की उम्मीद जगी है। देखिए, महिलाएं यहाँ पर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे महिलाएं पहुँची हैं, और इनके चेहरे पर और इनके आव भाव से अब ये झलकने लगा है कि इनमें जो कहीं डर होता था, जो नक्सलियों का डर होता था, वो डर खत्म हुआ है। अब यहाँ पे डर लगता है नहीं ना? नहीं। बूढ़ा पहाड़, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी अब विकास की किरण पहुँचेगी। हम कह सकते हैं कि कुदरत ने झारखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ वैसे इलाके हैं जहाँ पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, उसे अब खत्म करने की कोशिश हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से विकास की किरण पहुंचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है।